हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेके विजन पर। दोस्तों, आज बात होगी हमारे देश के ऐसे छोरों की जो कि गंगा किनारे रहते हैं। यहां लोग बड़े दिलदार होते हैं, ये दोस्तों के लिए जान देते हैं और दगाबाजों के जान निकाल देते हैं। भारत में और कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ खेती भी होती है और इसमें काम करने वाले लोग भी सबसे ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, यहाँ प्यार और राजनीति दोनों बड़ी शिद्दत से की जाती है। यहाँ की लटमार होली दुनिया भर में फेमस है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखी राज्य उत्तर प्रदेश की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उत्तर प्रदेश की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आपके जहन में कानून व्यवस्था और क्षेत्रवाद और जातिवाद से भरी राजनीति ही आती होगी। गर्मी के दिनों में यहाँ के चिलचिलाती धूप और ठंड में जमा देने वाली सर्दी, ये सब तो आम बात है, लेकिन यूपी के बारे में ऐसी खास बातें भी हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले आपको बता दो कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी है 24 करोड़ के आसपास। यहाँ कुल आबादी में 72% लोग गाँव में रहते हैं, वही 28% लोग शहर में बसते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे 1 अप्रैल 1937 में कुछ खास कारणों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य बनाया गया। यूपी भारत में होने वाले किसी भी घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। इन राग्स राजनीति से लेकर इकोनॉमी की शूज में सबसे आगे रहता है। सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश को आगरा के ताजमहल, लखनऊ के नसाक, बनारस के घाट, कनपुरिया मिचास, इलाहाबाद के संगम आदि के कारण चारण चारणा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन यहाँ की लोग हिंदी की ही अलग अलग रूपों को बोलते हैं। यहाँ आपसी बातचीत में गालियों का भरपूर इस्तेमाल की राज रहता है, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। भारत सरकार का चिन्ह निमोय सम्राट अशोक के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में बनवाया गया, जिससे 1947 के बाद भारत सरकार ने अपना सिंबल बना लिया था। यूपी की लोग हमेशा इस जुगाड़ में रहते हैं कि उनका काम किसी जुगाड़ से हो जाए। यूपी की ये बात सबसे अलग है। दोस्तों, अगर आपको स्विट्जरलैंड में गाय के गले में बंधी घंटियां लुभा दी हैं, तो उन्हें देखकर वाव करने से पहले जान ले कि यह घंटियां यूपी में ही बनाई जाती है। जी हां, यूपी के एटा जिले के एक गांव जालेसर से हर साल भारी मात्रा में इन पीतल के घंटियों को बनाकर विदेशों में भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश को अपनी अनूठी कल्चर के लिए जाना जाता है। इसमें दरह दरह के डांस, फेस्टिवल, असेंबली, म्यूजिक, ड्रामा, सिनेमा सब कुछ है। दुनिया भर में पॉपुलर कथक डांस के उत्पत्ति यूपी में ही हुई थी। फोक डांस, देसे रसिया कहा जाता है, ये भी बहुत पॉपुलर है। नौटंकी यहाँ का पब्लिक ऑपरेटिव थिएटर परफॉर्मेंस फार्म है। हिंदी सिनेमा आने से पहले भारत में सबसे ज्यादा मनोरंजन नौटंकी से किया जाता था, जिसमें घरेलू लड़कियों का जाना मना होता था। जब नौटंकी शुरू हुई थी तब ये बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक अश्लील डांस में बदल गई। स्पोर्ट्स में यूपी बहुत तेज है। यहाँ के ट्रेडिशनल खेलों में स्विमिंग, रेस्टलिंग, वाटर स्पोर्ट्स और कुश्ती शामिल है। हॉकी खेल के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश में है। यूपी के कुछ बात बहुत अजीब है सुनने में, जैसे कि यूपी में जाति भेद बहुत है। यहाँ ब्राह्मण जात को समाज में सबसे आगे जगह मिलती है। यहाँ ब्राह्मण परिवारों में जनेऊ संस्कार का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जब ये संस्कार होता है तो लड़के को सिर्फ लंगोट पहनकर घर से बाहर निकलना होता है, और भीख मांगनी पड़ती है। एक बार जनेऊ को हो जाने के बाद उसे सारी उम्र जनेऊ को धारण करना पड़ता है, और हर बार पेशाब जाने से पहले कान के ऊपर चढ़ाना होता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव का नाम snapdeal.com ने कर है। पहले गांव का नाम शिवनगर था, जब इस गांव के लोगों को पाने के लिए दूर जाना पड़ता था, तब snapdeal.com ने इस गांव में 14 हेडपंप लगवाए थे, और तभी से गांव का नाम snapdeal.com पड़ गया। और भी ऐसी कई अनसुनी बात है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक जिले शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब सम्मेलन होता है। यहाँ होली के दूसरे दिन शहर के चुनिंदा लोग लगभग पूरे नंगे होकर सिर्फ जूतों की माला पहनकर परेड निकालते हैं। ऐसा काम सभी सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में होता है, लेकिन अभी तक इस पर बैन नहीं लगाया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक लौता राज्य है जो 9 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझवा करता है। उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूरा में बिहार और झारखंड, ये पड़ोसी देश नेपाल के साथ साथ अपनी आंतरिक सीमा भी साझवा करता है। यूपी का में इनकम सोर्स है एग्रीकल्चर, इसके अलावा भी कई अलग अलग सोर्सेज है, जैसे कि कन्नौज जिले में इत्र भारी मात्रा में बनाया जाता है। अगर आप कभी इस शहर से गुजरे तो गुलाबों की खुशबू हवा में आसानी से महसूस कर सकते हैं। यहाँ के खेतों में फसल से ज्यादा फूलों जैसे गुलाब, गेंदा और महंदी की पैदावार होती है। साथ ही यूपी की खानमिक राजधानी है कानपुर। कानपुर के आसपास में सभी कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन ये देश का सबसे पॉल्यूटेड इलाका है, जहाँ हर और चमड़े की बदबू आती है।
आपको ये भी बता दें कि यूपी में भारत की सबसे ज्यादा तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ के कासगंज इलाके में तंबाकू की खेती की जाती है और गुरसहायगंज इलाके के हर घर में सिर्फ बीड़ी बनाने का काम होता है। यहाँ से सारे दुनिया को इन नशीले चीजों को भेजा जाता है। दोस्तों, पारिजात वृक्ष के बारे में पता ही होगा। ऐसा ही एक पारिजात वृक्ष लखनऊ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सारी दुनिया में अपनी तरह का एक अलग वृक्ष है। इस वृक्ष को इसके फूलों के लिए जाना जाता है, जो हर दिन अपना रंग बदलते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने पत्नी रुक्मणी के कहने पर स्वर्ग से पारिजात फूल लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश संस्कृति और इतिहास से भरपूर राज्य है यूपी के कानपुर में होली सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाई जाती है। यहाँ गंगा मेला लगने तक लोग रोज एक दूसरे पर रंग डालते हैं। वहीं मथुरा का लठ हमार होली पूरे भारत में पॉपुलर है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यूपी में कौन कौन से जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आप बस बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, दुनिया के सात अजूबों में शामिल आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश में ही है। अगर बात हो लोकल या फॉरेन टूरिस्ट की, तो लोगों के लिए ताजमहल लिस्ट के टॉप में शामिल है। ताजमहल हर रोज सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलता है, लेकिन शुक्रवार को नमाज के लिए ताजमहल बंद रहता है। चारी रात में शाम 8:30 बजे से 12:30 बजे तक खुला रहता है। दुखी उन रातों में महल का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। ताजमहल के अंदर एक खूबसूरत म्यूजियम भी है। बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और ताजमहल के अंदर ही दोनों की कब्रें हैं। कहा जाता है कि वो अपनी बेगम से इतना प्यार करते थे कि उनके मरने के 5 दिन के भीतर ही बादशाह का एक एक बाद सफेद हो गया था। बुलंद दरवाजा। आगरा जिले के बुलंद दरवाजा को मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात जीतने के खुशी में बनवाया था। बुलंद दरवाजा को फतेहपुर सीकरी भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा गेटवे है, जिसकी ऊंचाई है 54 मीटर। सीकरी को पहले फतेहबाद के नाम से जाना जाता था, जो कि फारसी शब्द फतेह से प्राप्त होता है, जिसका मतलब होता है जीतना। यहां पहुंचने के लिए आप एयर रूट से आगरा पहुंच सकते हैं। वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट इज नोएडा। अगर आपको यूपी का मॉडर्न स्टाइल देखना है, तो आपको एक बार नोएडा जरूर आना चाहिए। नोएडा पर आपको सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, जो कि पूरी यूपी में और कहे नहीं है। और तो यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक मॉल देखने को मिलेगी और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा लोग पार्टी करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है और आने वाले समय में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट भी नोएडा में बनने वाला है। वाराणसी। वाराणसी पीएम मोदी जी का पार्लियामेंट्री एरिया है। यहाँ पहुँचने के कई रास्ते हैं। दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए रेलवे ने वंदे मातरम एक्सप्रेस चला रखी है, जिससे दिल्ली और वाराणसी का सफर 8 घंटे में तय हो जाता है। बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर है। कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ लोग आपसी बातचीत 20 शास्त्रों की भाषा में किया करते थे, इसी कारण वहाँ की भाषा और संस्कृति बहुत समृद्ध है। वाराणसी हिंदुओं का धार्मिक शहर है और इसलिए इसकी बहुत माननीयता है। अगर आप वाराणसी आए तो यहाँ के घाटों को देखना नहीं भूले। प्रयाग घाट, अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट ऐसे हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। हर शाम को होने वाले गंगा आरती जरूर देखें। बहुत बार घाट घाट। अगर आपको यूपी घूमते घूमते थकान महसूस हो या फिर कई ऐसे जगह जाने का मन कर रहा हो जहां आप नेचर को एंजॉय कर सकें, तो आपको बेशक कटनिया घाट जाना चाहिए। यूपी के बहराइच जिले में स्थित कटनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत खूबसूरत है। दूधवा टाइगर रिजर्व से जुड़ा होने के कारण यहां आपको चीता देखने को भी मिल जाएगा। यहां करीब 30,000 टाइगर, 40 से 45 हाथी और 4 गैंडे हैं। और इसके अलावा 200 से 250 गिद्ध, अजगर और कई दुर्लभ सांप यहां देखने को मिलेंगे। यहां की गेरवा नदी बहुत साफ सुथरी है। अगर आपको यहां रात बिताने का मन करे तो गेरवा नदी के किनारे ट्री हाउस मिल जाएगा। महाराजा गंगाधर राव की चथरे। दोस्त, महाराजा गंगाधर राव की चथरे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। इसका निर्माण रानी लक्ष्मीबाई द्वारा 21 नंबर 1853 को कराया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति गंगाधर राव के निधन के बाद इसका निर्माण कराया था, जो कि इंडियन आर्ट कल्चर का एक बेहतरीन नमूना है। महामकुल चाय थाई मोनेस्ट्री। भगवान बुद्ध का जुड़ाव श्रावस्ती से रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महामकुल चाय थाई नाका एक मोनेस्ट्री है। आपको बता दें कि ये जितनी घूमने के लिए अच्छी जगह है, उतने ही शांति वाली जगह है। ध्यान करने वाली बुद्ध भिक्षु यहां आते हैं। यहां आने के लिए आप बलरामपुर जिले से और बहराइच जिले से बस से अकाउना और कटरा तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश। आप में से अगर कोई है यूपी से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हैं यूपी और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो गॉमल्स में लिखिएगा पार्ट 2। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आए होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकातों की एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।